अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नाज़नीन अकबर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पास्ता बनाने की रेसिपी। तो आइए हम देख लेते हैं पास्ता बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 400 ग्राम पास्ता लेंगे और इसे गर्म पानी में डालकर अच्छे से बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद हम इसे छन्नी के ऊपर रखेंगे और इसके पानी को अच्छे से छान लेंगे। 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 2 बारीक कटा हुआ प्याज, हाफ बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गुल मिर्च पाउडर, टोमेटो केचप और साथ में मायोनीज़ लेंगे। एक बोल लेंगे और इसके अंदर 8 से 9 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़ लेंगे और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप इसके अंदर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब तेल ऐड करेंगे। हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए सौटे करेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। अब हम अपने गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज जो है वो हल्का सा लाइट पिंक कलर हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद अब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुल मिर्च पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हाई फ्लेम पर हम सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर बॉईल किया हुआ पास्ता को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मायोनीज़ के मिक्सर को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पास्ता जो है वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है और सबसे आखिर में हम इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पास्ता जो है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पास्ता जो है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी आज की पास्ता की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।